दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब बुध ग्रह कुंडली के तीसरे घर में बैठा होता है तो जातक को क्या क्या फल देता है और उसके क्या क्या उपाय करने चाहिए। दोस्तों ये फलादेश मैं आपको सभी 12 जन्म लग्न कुंडलियों के हिसाब से बताने वाला हूं। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप घर बैठे बैठे ही अपनी कुंडली का सटीक फलादेश मुझसे कराना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मुझसे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न की कुंडली की। इस लग्न कुंडली में बुध ग्रह तीसरे घर का स्वामी होता है, मिथुन राशि का और छठे घर का। शत्रु रोग कर्जा का स्वामी है और तीसरे घर का स्वामी है। अगर बुध ग्रह आपका मिथुन राशि में ही तीसरे घर में ही बैठा है तो ये बुध आपको बहुत ही अच्छे फल देगा, क्योंकि बुध उठ के अपनी ही राशि में बैठा है, मिथुन राशि में बैठा है। तो यहाँ पर बुध आपको बहुत अच्छे फल देगा। दोस्तों तीसरा घर हमारा होता है वो होता है छोटे भाई बहन का, पराक्रम का, साहस का, निकट की छोटी यात्राएं। तो यहाँ पर अगर बुध बैठा है तो आपको क्या क्या फल देगा, तो सबसे पहले तो ऐसा जातक बहुत जरा बुद्धिमान होता है, पराक्रमी होता है। इसके अलावा क्योंकि दोस्तों आपका बुध मिथुन राशि में अपनी ही राशि में बैठा है, जिसके कारण ऐसा जातक बहुत जरा पढ़ा लिखा होगा, जातक की आयु लंबी होगी, जातक बुद्धिमान होगा, अपनी बुद्धि के बल पर जीवन में कामयाब होता है। छोटे भाई बहन का सुख अच्छा मिलेगा, उनसे अच्छी बनेगी। इसके अलावा जब भी बुध की दशा चलेगी या फिर अंतरदशा चलेगी, बहुत ज्यादा जातक को लाभ मिलेंगे, जातक का भाग्य अधिक रहेगी बुध की दशा, क्योंकि सातवीं दृष्टि पड़ रही है धनु राशि, जिसके कारण बुध की दशा में जातक का संपूर्ण भाग्य उदय होगा। बुध की दशा में जातक विदेश यात्रा भी वश करेगा, क्योंकि विदेश के घर को देख रहा है। पिता का सुख अच्छा मिलेगा, पिता की आयु लंबी होगी, जातक धार्मिक होगा, ज्योतिष विद्याओं का जानकार भी होगा, लेकिन दूसरे ग्रहों की युति दृष्टि जरूर देख ले। इसके अलावा बुध इस कुंडली में छठे घर का स्वामी, यानी कि शत्रु रोग कर्जा का स्वामी है। तो बुध चला गया अपनी राशि में, जिसके कारण जातक कभी भी जातक के ऊपर कर्जा नहीं रहेगा, जातक के शत्रु बिल्कुल नहीं होंगे और जातक को कभी भी कोई रोग नहीं लगेगा। तो दूसरे ग्रह की दोस्तों दृष्टि युति जरूर देख लें। अगर बुध ग्रह के साथ सूर्य ग्रह बैठा है तो बुध आदित्य योग बनेगा, ये युति बहुत ही अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छे फल देगी, जातक भाग्य दिख रहेगी। बुध ग्रह के साथ चंद्र ग्रह बैठा है तो चंद्र ग्रह है माता मकान वाहन का स्वामी, जिसके कारण माता का सुख अच्छा मिलेगा, मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। अगर यहाँ पे मंगल ग्रह बैठा है तो जातक महान पराक्रमी होगा, जातक को भाई बहन दोनों का सुख मिलेगा। बृहस्पति बैठा है तो जातक को बृहस्पति की युति बुध के साथ जातक को बहुत जरा भाग्यशाली बनाएगी, जातक को मित्रों से लाभ होगा। अगर शुक्र ग्रह बैठा है तो इसके कारण जातक को जातक की बहन जातक की मददगार होगी। लेकिन दोस्तों अगर राहु केतु बैठे हैं, अगर राहु बैठा है तो भाई बहनों के सुख में कमी आएगी, उनसे विवाद होता है। केतु बैठा है तब भी, अगर राहु बुध ग्रह के साथ यहाँ केतु बैठा है तो जातक एक अच्छा लेखक होगा, ज्योतिष विद्या का जानकार होगा, क्योंकि केतु गुप्त विद्याओं का जानकार है और बुध की राशि में आने से जातक ज्योतिष विद्याओं का जानकार होगा अगर बुध के साथ केतु बैठा है। तो उपाय के लिए आप ये देखें, अगर यहाँ पे बुध ग्रह अस्त बैठा है या वो डिग्री कम लेकर बैठा है, 0-1-2 डिग्री का बैठा है या फिर अस्त है सूर्य ग्रह के साथ युति करके, तो आप उसका रत्न पन्ना धारण करें, क्योंकि बुध अपनी राशि में बैठा है, मिथुन राशि में बैठा है, जिसके कारण आपको बहुत अच्छे फल देने वाला है। लेकिन अगर अस्त है, डिग्री कम है, तो इसके कारण उसके अच्छे फलों में कमी आ सकती है। तो इसलिए जरूरी है आप उसकी वस्तुओं का दान बिल्कुल ना करें, सिर्फ अगर वो कम डिग्री का बैठा या अस्त है उसका रत्न दान करें आप। तो दोस्तों अब बात करेंगे वृष लग्न की कुंडली की। इस लग्न कुंडली में बुध ग्रह दूसरे घर का स्वामी होता है, धन वाणी पारिवारिक सुख का, और पांचवें घर का स्वामी होता है, यानी कि संतान का, बुद्धि विद्या का। अगर बुध ग्रह आपका बैठा हो तीसरे घर में कर्क राशि में तो यहाँ बुध शत्रु राशि में होगा, चंद्र ग्रह की राशि में शत्रु राशि में होगा। तो यहाँ बुध ग्रह आपको मिश्रित फल देगा, कुछ अच्छे फल देगा, कुछ खराब फल देगा। तो बुध यहाँ पर होने से जातक अपनी मेहनत, अपने पराक्रम और साहस से धन कमाता है, क्योंकि छोटे भाई बहनों का घर है, जिसके कारण जातक को भाई बहनों का सुख अच्छा मिलता है, परिवार वालों का सुख अच्छा मिलता है, क्योंकि बुध दूसरे घर का स्वामी है जो जो कि वाणी का है। वाणी जातक की मीठी होगी, परिवार सुख मिलेगा जातक को अच्छा,
और धन कमाने में भी कामयाब होता है। ये पांचवें घर का स्वामी भी है, जिसके कारण संतान सुख जातक को अच्छा मिलेगा, संतान आज्ञाकारी होगी, संतान से भी जातक को लाभ मिलता है, जातक उच्च विद्यावान होगा। तो इसके अलावा लेकिन शुरुआती जीवन में जातक को थोड़ा बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, धन कमाने के लिए शुरुआत में तो संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि बुध यहाँ बैठा है शत्रु राशि में। तो सातवीं दृष्टि पड़ रही है मकर राशि के ऊपर, अपने मित्र शनि की राशि के ऊपर, भाग्य घर के ऊपर पड़ने के कारण ऐसा जातक अपनी किस्मत आप जगाता है। इसके अलावा जातक को यात्राओं से भी लाभ होगा, बुध की दशा में विदेश यात्रा के भी योग बनेंगे और छोटी मोटी यात्राओं से भी जातक को लाभ होता है। तो लेकिन दोस्तों दूसरे ग्रह की युति दृष्टि जरूर देख लें, यहाँ पर सबसे अच्छी युति होगी सूर्य की, अगर सूर्य यहाँ पे बैठा बुध ग्रह के साथ युति करके, क्योंकि सूर्य ग्रह है वो चौथे घर का स्वामी है, माता मकान भूमि वाहन सभी भौतिक सुखों का स्वामी है। अगर सूर्य ग्रह यहाँ पे युति करके बैठा है तो ये युति बहुत ही अच्छी है, ये जातक को बहुत अच्छे फल देगी, जातक को सभी सुख मिलेंगे, माता का सुख मिलेगा क्योंकि माता का स्वामी है सूर्य, मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, सभी भौतिक सुख अच्छे मिलेंगे, यश पद प्रतिष्ठा मान सम्मान सभी सुख जातक को मिलेंगे अगर सूर्य ग्रह यहाँ बुध ग्रह के साथ बैठा है। लेकिन बुध ग्रह की डिग्री जरूर देख लें, अगर बुध अस्त है तो वो भी जरूर देख लें, उसे बलवान करें। इसके अलावा अगर यहाँ पे चंद्र ग्रह बैठे, क्योंकि ये चंद्र की राशि है, कर्क राशि चंद्र की है, इसके कारण ये भी युति बहुत ही जातक को अच्छे फल देगी, ऐसे जातक को यात्राओं से लाभ होता है, बहनों का प्यार मिलता है। तो अगर यहाँ पे मंगल ग्रह बैठे, क्योंकि मंगल नीच का हो जाता है, ये युति थोड़ा सा जातक को खराब फल देगी, भाई बहनों के सुख में कमी आ सकती है। तो बृहस्पति अगर बैठा है तो जातक की वाणी में दोष उत्पन्न करेगी, क्योंकि बृहस्पति आठवें घर का स्वामी है, फिर भी ज्यादातर बृहस्पति की युति अच्छे फल ही देगी, क्योंकि बृहस्पति कर्क राशि में उच्च का हो जाता है। तो अगर राहु केतु बैठे हैं तो ये युति थोड़ा सा खराब फल देगी, राहु केतु होने से राहु बुध के अच्छे फलों में कमी करेगा। इसके अलावा अगर राहु और केतु यहाँ बैठे हैं तो भाई बहनों से परिवार वालों से मनमुटाव जरूर होता है, विवाद होता है अगर राहु केतु बैठे हैं, अगर राहु केतु यहाँ बैठे हैं तो आप उनकी शांति जरूर करें। तो दोस्तों उपाय के लिए, क्योंकि बुध आपका पंचमेश है, संतान भाव का स्वामी है और धन वाणी परिवारिक सुख का स्वामी है, अगर आपको संतान संबंधी चिंता लग रही है, वाणी संबंधी धन संबंधी परेशानी आ रही है, छोटे भाई बहनों से संबंध बिगड़ रहे हैं, तो आप बुध के उपाय करें, बुध के मंत्रों को सिद्ध जरूर करें। इसके अलावा आप गणेश जी के मंत्र भी जाते रहें। तो दोस्तों अब बात करेंगे मिथुन लग्न की कुंडली की। इस लग्न कुंडली में बुध ग्रह लग्न का स्वामी होने से लग्नेश भी होता है, पहले घर का स्वामी है लग्नेश भी है और चौथे घर का स्वामी भी है, माता मकान वाहन भूमि वाहन का भी स्वामी है, सभी भौतिक सुखों का स्वामी है और लग्न का स्वामी है। तो जिसके कारण इस कुंडली में बुध ग्रह अति योग कार ग्रह है और बुध ग्रह बैठा भी मित्र राशि में है, सिंह राशि में सूर्य ग्रह की राशि में बैठा है, तो जिसके कारण बुध ग्रह आपको बहुत ही अच्छे फल देगा। जब भी बुध की दशा चलेगी, अंतरदशा चलेगी, बहुत अच्छे फल मिलेंगे, क्योंकि ये जर लग्नेश भी है, कुंडली का योग कार ग्रह है। लेकिन आप बुध ग्रह की डिग्री जरूर देख लें, अगर बुध ग्रह यहाँ पे सूर्य ग्रह के साथ युति करके अस्त बैठा है तो बुध के अच्छे फलों में कमी आ सकती है, या फिर उसकी डिग्री 0-1 है या 28-29-30 डिग्री का बैठा, तब भी आप उसको उसका बल बढ़ाने के लिए उसका रत्न जरूर धारण करें, पन्ना रत्न जरूर धारण करें, क्योंकि बुध बिल्कुल स्ट्रोंग बैठा है। तो यहाँ पर बुध आपको क्या फल देगा, क्योंकि लग्न का स्वामी है, जिसके कारण जातक का स्वास्थ्य अच्छा होगा, जातक सेहतमंद होगा, जातक को मेहनत का फल मिलेगा। इसके अलावा चौथे घर का स्वामी जो कि माता का है, माता का सुख अच्छा मिलेगा, माता की आयु लंबी होगी, मकान वाहन का सुख जातक को अच्छा मिलेगा। इसके अलावा छोटे भाई बहनों के घर में बैठा है, छोटे भाई बहनों का सुख अच्छा मिलेगा, जातक पराक्रमी होगा, मेहनती होगा, बुद्धिमान होगा, सभी सुख जातक को मिलेंगे। अगर बुध ग्रह के साथ सूर्य ग्रह बैठा है तो ये युक्ति बहुत ही अच्छी फल देगी, क्योंकि बुध सूर्य की राशि में बैठा, अगर सूर्य भी यहाँ अपनी ही राशि में बैठा होगा तो वैसे चांस भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि बुध यहाँ सूर्य यहाँ जरूर बैठा होगा। तो अगर ये युक्ति बन रही है तो ऐसा जातक बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होगा, बुद्धिमान होगा, अपनी बुद्धि के बल पर जीवन में कामयाब जरूर होता है, बहुत ज़्यादा धन कमाता है। तो इसके अलावा सातवीं दृष्टि पड़ेगी भाग्य घर के ऊपर, पिता का सुख अच्छा मिलेगा, जातक का भाग्य युद्ध करने के लिए पिता भी संयोग देगा,
तो इसके अलावा अगर दोस्तों यहाँ भी बुध ग्रह के साथ चंद्र ग्रह बैठे है तो जातक की बहनें अधिक होंगी। अगर मंगल ग्रह बैठा है तो भाई बहनों दोनों का सुख मिलेगा। अगर बृहस्पति बैठा है तो बड़े भाई या उम्र में बड़े मित्रों से लाभ होगा। शुक्र ग्रह बैठा है तो जातक की बहनें अधिक होंगी। अगर राहु बैठा है यहाँ पे तो जातक का परिवार वालों से विवाद होगा, मित्रों से भी विवाद होगा, भाइयों से भी विवाद होगा। केतु बैठे तब भी मित्रों से विवाद होता है, तो इसलिए जरूरी है कि आप दूसरे ग्रहों की युति दृष्टि जरूर देख लें। तो दोस्तों अब बात करेंगे कर्क लग्न की कुंडली की। इस लग्न कुंडली में बुध ग्रह तीसरे घर का स्वामी है और बारहवें घर का स्वामी है। अगर बुध ग्रह अपने ही राशि में कन्या राशि में तीसरे घर में बैठा है तो ऐसा बुध जातक को बहुत ही अच्छे फल देगा, क्योंकि बुध अपनी ही राशि में बैठा है। लेकिन दोस्तों अगर बुध ग्रह यहाँ पे 15 डिग्री तक बैठा है तो यहाँ पे ये परम उच्च का होगा। अगर 16 डिग्री से लेके 20 डिग्री का बैठा है तो ये अपनी राशि का होगा, तो इसलिए आप उसकी डिग्री जरूर देख लें। अगर सूर्य ग्रह यहाँ पे अस्त बैठा है सूर्य ग्रह के साथ युति करके, तो आप उसका रत्न धारण जरूर करें, क्योंकि बुध अपनी उच्च राशि में बैठा है तो आपको बहुत ही अच्छे फल देगा। अपनी दशा में अंतर दशा में आपको बहुत अच्छे फल देगा। तो ऐसा जातक बहुत ज़रा बुद्धिमान होगा, भाई बहनों के सुख से युक्त होगा, पराक्रमी होगा, मेहनती होगा, अपनी मेहनत के बल पर जीवन में कामयाब होता है, समाज का एक सम्मानित व्यक्ति होगा। सातवीं दृष्टि पड़ेगी मीन राशि के ऊपर, जिसके कारण जातक का पिता भी बहुत ज़रा धनवान होगा। जातक के पिता के साथ अच्छे संबंध होंगे, जातक को पिता की संपत्ति मिलेगी। बुध ग्रह बुद्धि और विद्या का कारक होने से जातक बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होगा, क्योंकि बुध अपनी ही राशि में बैठा है। लेकिन आप उसकी डिग्री जरूर देख लें, अगर अस्त है तो आप रत्न जरूर धारण करें, क्योंकि ये बुध आपको बहुत अच्छे फल देने वाला है। बुध ज्योतिष विद्या का भी कारक है, जिसके कारण ऐसा जातक ज्योतिष विद्या का जानकार होगा, गुप्त विद्याओं को जानकार होगा, एक अच्छा ज्योतिषी होगा। लेकिन बुध बारहवें घर का स्वामी भी है, यानी कि खर्च का स्वामी भी है, जिसके कारण क्या होगा, जातक धर्म मार्ग परोपकारी के कामों में अपना धन अधिक खर्च करेगा, समाज सेवा में अपना धन अधिक खर्च करेगा, जातक की आयु भी लंबी होगी। तो बुजुर्ग अवस्था में जाके जातक सन्यासी होने के भी योग बन रहे हैं, लेकिन दूसरे ग्रहों की युति दृष्टि भी देखनी बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर बुध यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे फल देगा। अगर सूर्य ग्रह के साथ युति करके बैठे तो बुध आदित्य योग बनेगा, जो कि जातक को बहुत ज्यादा भाग्यशाली बनाएगा। तो लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर राहु केतु बैठे हैं तो बुध के अच्छे फलों में कमी आ सकती है। परिवार वालों से खास तौर पे भाई बहनों से मन मुटाव हो सकता है, विवाद हो सकता है अगर यहाँ पे राहु बैठा है बुध ग्रह के साथ। तो यहाँ पर आप उपाय के लिए हरे रंग की वस्तुओं का अधिक इस्तेमाल किया करें, जैसे कि आप हरे कपड़े पहन सकते हैं, हरी मूंगी का खा सकते हैं ज़्यादा। इसके अलावा आप गणपति की उपासना करें। दोस्तों कभी भी आपने बुध की वस्तुओं का दान नहीं करना, क्योंकि बुध आपका उच्च का बैठा है, आपने बिल्कुल भी बुध की वस्तुओं का दान कभी नहीं करना। तो दोस्तों अब बात करेंगे सिंह लग्न की कुंडली में। सिंह लग्न की कुंडली में बुध ग्रह दूसरे घर का स्वामी होता है और ग्यारहवें घर का स्वामी होता है, यानी कि धन वाणी पारिवारिक सुख का स्वामी है, लाभ का स्वामी है, बड़े भाई बहनों का स्वामी है। अगर बुध उठ के चला जाएगा तीसरे घर में तुला राशि में, तो यहाँ पर बुध ग्रह मित्र राशि में होगा, जो कि ज्यादातर आपको अच्छे फल ही देगा, क्योंकि ये लग्नेश सूर्य ग्रह का मित्र भी है। तो यहाँ पर बुध ग्रह बहुत अच्छे फल देगा, बड़े भाई बहनों का सुख अच्छा मिलेगा, छोटे भाई बहनों का भी सुख अच्छा मिलेगा, परिवार वालों का सुख अच्छा मिलेगा, वाणी मिट्टी होगी, जातक बहुत ज्यादा धनवान होगा, क्योंकि धन का स्वामी भी है, बुद्धिमान जातक बहुत ज्यादा होगा। इसके अलावा मित्रों से भी लाभ मिलेगा, जातक के जो आमदन के साधन है वो एक से अधिक होंगे, कभी भी लाभ में कमी नहीं रहेगी, क्योंकि लाभ का स्वामी भी है, जिसके कारण जातक को नौकरी व्यापार में कभी भी लाभ में कमी नहीं रहेगी। तो इसके अलावा लेकिन दोस्तों सबसे नेगेटिव बात ये है कि अगर बुध यहाँ निर्बल हुआ, पापी ग्रहों के साथ हुआ, या पापी ग्रहों की दृष्टि यहाँ पे हुई, तो जातक को कुष्ठ रोग हो सकता है। बुध की दशा अंतरदशा में कुष्ठ रोग होने की संभावना है। अगर यहाँ पे बुध ग्रह के साथ सूर्य ग्रह बैठे तो ये युति बहुत ही शुभ फलदायी है। जातक बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होगा, भाग्यशाली होगा, पराक्रमी होगा, जातक अपनी मेहनत के बल पर अपना भाग्योदय
करता है। तो सूर्य की युति बहुत अच्छी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर बुध ग्रह के साथ भाग्य मंगल बैठे तो जातक बहुत ज्यादा भाग्यशाली होगा। अगर शनि यहाँ बैठे, क्योंकि शनि तुला राशि में उच्च का हो जाता है, जिसके कारण जातक को मैरिज लाइफ का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। जीवन साथी बहुत ज्यादा सुंदर होगा, समझदार होगा, आज्ञाकारी होगा। इसके अलावा बृहस्पति अगर यहाँ बैठा बुध ग्रह के साथ तो जातक की आयु लंबी होगी। तो उपाय के लिए आप हरे रंग की वस्तुओं का अधिक इस्तेमाल करें, जैसे कि आप मूंगी की दाल, हरे पत्ती की सब्जी का अधिक इस्तेमाल करें। घर में छोटे पौधे लगाएं, हरे रंग के पौधे लगाएं, मनी प्लांट के पौधे लगाएं घर में, ताकि आपका बुध बलवान हो सके। तो दोस्तों अब बात करेंगे कन्या लग्न की कुंडली की। कन्या लग्न की कुंडली में बुध ग्रह लग्नेश भी होता है, लग्न का स्वामी है, और दशमेश भी है, दशम भाव का स्वामी, यानी कि नौकरी व्यापार का स्वामी है, पिता का स्वामी है और लग्न का स्वामी है। बुध बैठा है तीसरे घर में वृश्चिक राशि में, तो यहाँ पर बुध आपको बहुत ही अच्छे फल देगा, क्योंकि बुध लग्नेश भी है। तो क्या अच्छे फल देगा? जातक पराक्रमी होगा, बुद्धिमान होगा, धार्मिक विचारों वाला होगा, परिस्थितियों के अनुसार खुद को डालने वाला होगा, भाई बहनों के सुख से युक्त होगा, क्योंकि दशम भाव का स्वामी भी है, जिसके कारण पिता का सुख अच्छा मिलेगा जातक को। इसके अलावा नौकरी उपहार का स्वामी भी है, नौकरी में उन्नति, व्यापार में लाभ होगा, पिता से विचार अच्छे मिलेंगे, पिता का संयोग भी मिलेगा जातक को आगे बढ़ने में। तो इसके अलावा क्योंकि बुध आपका लग्नेश भी है, जिसके कारण जातक बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगा, पढ़ने जातक लिखने पढ़ने का शौकीन होगा। ऐसा जातक जो भी काम शुरू करता है उसे समाप्त करके ही दम लेता है। ऐसे जातक को पिता भाई बहनों का सुख मिलता है, जातक को नौकरी व्यापार से लाभ होता है, जातक बुद्धि बल और मित्रों के संयोग से धन कमाएगा। सातवीं दृष्टि पड़ेगी वृष राशि मित्र की राशि के ऊपर, भाग्य के ऊपर, जिसके कारण जातक अपना भाग्य आप चमकाता है। बुध की दशा में छोटी मोटी यात्राएं भी करेगा, यात्राओं से जातक को लाभ भी होगा, जातक धार्मिक होगा, धार्मिक कामों में अधिक रुचि लेगा बुध की दशा में। तो बुध की दशा में क्योंकि दशम भाव का स्वामी है, जिसके कारण बुध की दशा में नौकरी में उन्नति होगी, व्यापार में भी उन्नति होगी। तो आप दूसरे ग्रहों की युति दृष्टि जरूर देखें। तो दोस्तों अगर बुध ग्रह के साथ सूर्य ग्रह बैठा है तो ये युति बहुत ही अच्छे फल देगी, जातक धनवान होगा, बुद्धिमान होगा। इसके अलावा क्योंकि सूर्य ग्रह बारहवें घर का स्वामी है और बुध की दशा में या सूर्य की दशा में विदेश यात्रा के भी योग बनेगी, विदेश से जातक को लाभ भी होगा। लेकिन अगर बुध के साथ चंद्र ग्रह बैठा है तो चंद्र ग्रह वृश्चिक राशि में नीच का हो जाता है, जिसके कारण परिवार वालों से विवाद हो सकता है। मंगल ग्रह अगर बैठा मंगल ग्रह, क्योंकि वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल ग्रह है, जिसके कारण भाई बहनों का सुख अच्छा मिलेगा। इसके अलावा अगर शुक्र ग्रह बैठा है तो जातक भाग्यशाली होगा। अगर यहाँ शनि बैठा है तो संतान उत्तम होगी, संतान सुख से जातक युक्त होगा। लेकिन अगर राहु बैठा है तो भाइयों से विवाद होगा। तो केतु बैठा है तब भी परिवार वालों से विवाद होते हैं। तो सबसे खराब फल यहाँ पर राहु ही देगा, क्योंकि राहु वृश्चिक राशि में नीच का हो जाता है। अगर आपका राहु या केतु यहाँ भी बैठे हैं युति करके, तो आप उनकी शांति जरूर करें। इसके अलावा अगर बुध आपका सूर्य के साथ युति करके अस्त बैठा है तो आप उसका बल बढ़ाएं, हरे रंग की वस्तुओं का अधिक इस्तेमाल किया करें। तो दोस्तों अब बात करेंगे तुला लग्न की कुंडली की। इस लग्न कुंडली में बुध ग्रह भाग्यश भी होता है, नवम भाव का स्वामी है, त्रिकोण का स्वामी, अच्छे घर का स्वामी है, एक बुरे घर का भी स्वामी है, बारहवें घर का स्वामी है। तो लग्नेश शुक्र का बुध ग्रह अति मित्र है। अगर बुध ग्रह बैठा है तीसरे घर में धनु राशि में तो यहाँ पर बुध ग्रह आपको बहुत अच्छे फल देगा। तो सबसे अच्छी बात तो यह है, क्योंकि बुध भाग्यश होकर तीसरे घर में बैठ के सातवीं दृष्टि से अपने ही घर को देख रहा है, जिसके कारण जातक बहुत बड़ा भाग्यशाली होगा। अपना भाग्य जातक अपनी मेहनत के बल पर खुद चमकाता है। पिता के घर को देख रहा है, पिता का सुख अच्छा मिलेगा, जातक का पिता भी बहुत बड़ा धनवान होगा, समझदार होगा, पिता का सुख जातक को अच्छा मिलेगा। और बुध ग्रह बैठा है धनु राशि में, जिसके कारण जातक धार्मिक होगा, परोपकारी होगा और परोपकारी के काम अधिक करता है, समाज सेवा के काम अधिक करेगा। तो इसके अलावा सातवीं दृष्टि पड़ रही है विदेश के घर के ऊपर, जिसके कारण जातक छोटी मोटी यात्रा भी करेगा, विदेश यात्रा के भी योग बनेंगे बुध की दशा अंतर दशा में। तो लेकिन
अगर बुध ग्रह यहाँ पे शुक्र ग्रह या चंद्र ग्रह के साथ बैठा है तो जातक उच्च विद्या प्राप्त करता है, एक अच्छा लेखक होता है, कला संगीत में जातक की रुचि होती है। अगर बुध ग्रह बैठा है सूर्य ग्रह के साथ युति करके तो ये युति बहुत ही अच्छे फल देगी, जातक को खेल आदि के विशेष क्षेत्रों में लाभ मिलता है। अगर यहाँ बुध ग्रह के साथ सूर्य ग्रह बैठा है या गुरु ग्रह बैठा है तो जातक विश्व प्रसिद्ध राजनेता होता है। तो इसलिए जरूरी है कि आप दूसरे ग्रह की युति दृष्टि जरूर देखें। इसके अलावा विदेश के योग जरूर बनेंगे, विदेश यात्रा की, क्योंकि विदेश का घर भी है, विदेश का स्वामी, खर्च भी जातक का अधिक होगा बुध की दशा में, लेकिन जो खर्च होगा वो होगा समाज सेवा के ऊपर, धार्मिक कामों के ऊपर, परोपकारी के कामों के ऊपर जातक का धन खर्च होता है। तो जब भी बुध की दशा चलेगी जातक का भाग्य देख रहेगी, क्योंकि बुध भाग्यश है। लेकिन दोस्तों दूसरे ग्रह की युति दृष्टि जरूर देख लें। अगर बुध ग्रह के साथ चंद्र ग्रह बैठा है तो बहनें अधिक होंगी, मंगल ग्रह बैठे तो मित्रों द्वारा धन मिलेगा। अगर बृहस्पति अपनी ही राशि में यहाँ पे बैठा है तो जातक का भाग्य उदय परिवार वालों की मदद से और मित्रों द्वारा होता है। तो अगर यहाँ शनि बैठा है तो भूमि से जातक को लाभ होगा, लेकिन अगर राहु बैठा है तो राहु परिवार वालों से विवाद कराएगा, क्योंकि राहु धनु राशि में नीच का हो जाता है। केतु बैठा है तब भी परिवार वालों से मनमुटाव होता रहेगा। तो दोस्तों अब बात करेंगे वृश्चिक लग्न की कुंडली की। इस लग्न कुंडली में बुध ग्रह 11वें घर का स्वामी है, लाभ का स्वामी है, और 8वें घर का स्वामी अष्टमेश है। तो यहाँ पर बुध ग्रह अगर बैठा हो तीसरे घर में मकर राशि में मित्र राशि में होने के कारण बुध ग्रह आपको ज्यादातर अच्छे फल ही देगा, कुछ खराब फल भी जरूर देता है क्योंकि ये अष्टमेश भी है, लेकिन मित्र राशि में बैठा है तो इसके कारण ज्यादातर आपको अच्छे फल ही देगा। तो ऐसे जातक को, क्योंकि भाई बहनों के घर में बैठा है, भाई बहनों का सुख मिलेगा, माता पिता का पूर्ण सुख मिलता है क्योंकि अष्टमेश है, जिसके कारण जातक की आयु लंबी होगी। जातक के आमदन के साधन भी एक से अधिक होंगे, कभी भी जातक को लाभ में कमी नहीं रहेगी क्योंकि लाभ का स्वामी भी है, जिसके कारण जातक को कभी भी लाभ में कमी नहीं रहेगी। इसके अलावा जातक धार्मिक विचारों वाला होगा, धर्म ज्योतिष मंत्र तंत्र विद्याओं का जानकार होगा। सातवीं दृष्टि पड़ेगी कर्क राशि के ऊपर, जातक बुध की दशा में विदेश यात्रा भी अवश्य करेगा और विदेश यात्रा से जातक को लाभ भी होगा, लेकिन शुरुआती जीवन में जातक को काफी संघर्ष करना पड़ेगा क्योंकि बुध आपका अष्टमेश भी है। इसके अलावा अगर बुध ग्रह गुरु ग्रह या सूर्य ग्रह के साथ युति करके बैठा है तो जातक भूमि मकान वाहन आदि सुखों से युक्त होगा। अगर यहाँ पे बुध ग्रह के साथ सूर्य ग्रह बैठा जो कि 10वें घर का स्वामी है, नौकरी व्यापार का स्वामी है, तो ये युति बहुत ही अच्छे फल देगी, लेकिन पहले जातक को संघर्ष भी करना पड़ेगा क्योंकि सूर्य यहाँ पे मकर राशि में शत्रु राशि में होगा। फिर भी जातक को नौकरी में लाभ होगा, बिजनेस में लाभ होगा। तो लेकिन दोस्तों आप शनि ग्रह की प्लेसमेंट जरूर देख लें कि शनि, क्योंकि मकर राशि का स्वामी शनि है, अगर शनि 6वें 8वें 12वें घर में बैठा है, नीच राशि में बैठा है, तो इसके कारण बुध ग्रह के भी अच्छे फलों में कमी आ सकती है। तो शनि की प्लेसमेंट देखनी बहुत ही जरूरी है। अब बात करेंगे धनु लग्न की कुंडली की। इस लग्न कुंडली में बुध ग्रह 7वें घर का स्वामी, यानी कि जीवन साथी भाव का स्वामी है, और 10वें भाव का स्वामी है, नौकरी व्यापार का स्वामी है। अगर बुध ग्रह बैठ जाए तीसरे घर में कुंभ राशि में तो ये शनि ग्रह की राशि है, मित्र की राशि है। यहाँ पर भी बुध ग्रह आपको ज्यादातर अच्छे फल ही देगा, चाहे ये कुंडली का मार्गश है लेकिन मित्र राशि में बैठा है तो इसके कारण ज्यादातर अच्छे फल ही देगा। तो अच्छे फल क्या देगा, जातक बुद्धिमान होगा, जातक भाग्यशाली होगा। जातक का जो भाग्य उदय है वो विवाह होने के बाद होगा क्योंकि जीवन साथी भाव का स्वामी है, जिसके कारण जातक विवाह होने के बाद जातक का भाग्य उदय अधिक मात्रा में होता है। जातक पराक्रमी होगा, मेहनती होगा, धार्मिक होगा, ज्योतिष मंत्र तंत्र विद्याओं का जानकार होगा। भाई बहन का सुख अच्छा मिलेगा, पिता का सुख भी अच्छा मिलेगा क्योंकि दशमेश है, पिता का स्वामी है, पिता का सुख अच्छा मिलेगा। नौकरी व्यापार का सुख भी जातक को अच्छा मिलता है। तो यहाँ पर भी बुध ग्रह जातक को अच्छे फल ही देगा। यदि शुक्र का योग, अगर शुक्र ग्रह साथ में बैठा है और मंगल ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो सरकारी नौकरी के योग बनेंगे।
तो दोस्तों अगर यहाँ पे बुध ग्रह के साथ सूर्य ग्रह बैठा है तो ये युक्ति बहुत ही अच्छी है, चाहे सूर्य ग्रह शत्रु राशि में क्यों ना बैठा हो, क्योंकि सूर्य ग्रह भाग्यश है। अगर भाग्य उठ के तीसरे घर में बैठा है और सातवीं दृष्टि से अपने ही घर को देखेगा तो जिसके कारण जातक बहुत ही बड़ा भाग्यशाली होगा, धनवान होगा। अगर यहाँ पे शनि ग्रह बैठा है तो ये भी युक्ति बहुत ही जातक को अच्छे फल देगी, ऐसा जातक बहुत ज़्यादा धनवान होता है क्योंकि शनि ग्रह दूसरे घर का भी स्वामी है। तो दोस्तों अब बात करेंगे मकर लग्न की कुंडली की। इस लग्न कुंडली में बुध ग्रह तीसरे छठे घर का स्वामी है और भाग्यश भी है, यानी कि शत्रु रोग कर्जा का स्वामी है, भाग्यश भी है, खराब घर का स्वामी है, एक अच्छे घर का स्वामी है। अगर बुध ग्रह उठ के चला जाएगा नीच राशि में तो यहाँ पर बुध ग्रह बहुत ही खराब फल देने वाला है क्योंकि अपनी परम नीच राशि में चला गया, लेकिन इसकी सातवीं दृष्टि अपनी उच्च राशि की पड़ेगी जिसके कारण जातक भाग्यशाली भी होगा, पिता को सुख अच्छा मिलेगा, धार्मिक विचारों वाला होगा, ज्योतिष विद्याओं का जानकार होगा। लेकिन ये छठे घर का स्वामी भी है जो कि शत्रु रोग कर्जा का है जिसके कारण जातक कर्जदार भी होगा, शत्रु भी जातक को परेशान जरूर करेंगे, कोई ना कोई रोग भी लगा रहेगा बुध की दशा अंतर दशा में, तो इसलिए बुध की शांति करनी बहुत ही जरूरी है यहाँ पे। तो भाई बहनों से भी मन बटाव होगा, उनके सुख में कमी आएगी और भाग्य उदय संबंधी भी जातक को, क्योंकि भाग्य उठ के चला गया नीच राशि में तो शुरुआती जीवन में जातक को भाग्य उदय संबंधी काफी संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन अगर बुध ग्रह के साथ मीन राशि का बृहस्पति बैठा है या फिर बृहस्पति की दृष्टि उसके ऊपर पड़ रही है बुध के ऊपर तो नीच भंग राजयोग बनेगा। इसके अलावा अगर शुक्र ग्रह भी यहाँ बैठा है, क्योंकि ये मीन राशि शुक्र की उच्च राशि है, तब भी नीच भंग राजयोग बनेगा जिसके कारण बुध ग्रह के बुरे फलों में कमी आ सकती है। तो इसलिए आप ये युति दृष्टि जरूर देखें। इसके अलावा अगर यहाँ पे बुध ग्रह के साथ अष्टमेश सूर्य ग्रह बैठा है तो इसके कारण जातक काफी मृत्युतुल्य कष्टों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बुध बैठा है नीच राशि में जिसके कारण बुध की दशा और सूर्य की दशा में जातक को शारीरिक कष्ट जरूर होते हैं। तो यहाँ पर बुध की आप शांति जरूर करें। दोस्तों उपाय के लिए आप बुधवार को बुध की वस्तुओं का दान करें, हरे रंग की वस्तुओं का दान करें, साबुत मूंगी का दान करें बुधवार को, अगर हो सके तो बुध के मंत्र को सिद्ध जरूर करें। तो दोस्तों अब बात करेंगे कुंभ लग्न की कुंडली की। इस लग्न कुंडली में बुध ग्रह पंचमेश होता है और अष्टमेश होता है। पंचमेश यानी कि संतान बुद्धि विद्या का स्वामी और आयु का स्वामी। अगर बुध ग्रह बैठा है मेष राशि में सम राशि में तो यहाँ पर बुध ग्रह आपको कुछ अच्छे फल देगा कुछ बुरे, क्योंकि ये अष्टमेश भी है। अच्छी बात यह है क्योंकि अष्टमेश सम राशि में बैठे जिसके कारण जातक की आयु लंबी होगी, लेकिन संतान संबंधी थोड़ी बहुत चिंता अवश्य रहेगी, खास तौर पे पुत्र संतान संबंधी। इसके अलावा जातक बुद्धिमान होगा, पराक्रमी होगा, मेहनती होगा, भाग्यशाली होगा क्योंकि सातवीं दृष्टि पड़ रही है तुला राशि अपने मित्र की राशि के ऊपर, जिसके कारण जातक भाग्यशाली होगा। बुध की दशा में यात्राएं भी करेगा, छोटी मोटी यात्राएं करेगा, उसमें लाभ भी जातक को मिलता रहेगा। इसके अलावा जातक ज्योतिष मंत्र तंत्र गुप्त विद्याओं का जानकार भी होगा क्योंकि यह आठवें घर का स्वामी है, गुप्त विद्याओं का जानकर जातक अवश्य होगा, ज्योतिष विद्याओं का जानकर अवश्य होगा, एक अच्छा लेखक भी हो सकता है। तो आप क्योंकि मेष राशि का स्वामी मंगल ग्रह है, अगर मंगल ग्रह कुंडली में उच्च राशि में बैठे है, अपनी राशि में बैठे, मित्र राशि में बैठे है, तो इसके कारण बुध ग्रह भी आपको ज्यादातर अच्छे फल ही देगा। लेकिन अगर बुध मंगल ग्रह नीच राशि में बैठे, छठे आठवें बारहवें घर में बैठे है तो बुध के अच्छे फलों में कमी आ सकती है। इसके अलावा दूसरी बात, आप दूसरे ग्रहों की युति दृष्टि जरूर देख लें। अगर बुध ग्रह के साथ सूर्य ग्रह बैठे जो कि सातवें घर का स्वामी है, जीवन साथी का स्वामी है, तो जिसके कारण जातक का भाग्य उदय विवाह होने के बाद होगा। अगर चंद्र ग्रह बैठा है तो भाई बहनों से मनमुटाव होगा, राहु बैठा है तब भी भाई बहनों से मनमुटाव होगा, केतु बैठा है तो जातक महान पराक्रमी होगा, यश भी होगा। तो दोस्तों अब लास्ट में बात करेंगे मीन लग्न की कुंडली की। स्वामी है माता मकान वाहन का स्वामी है और इसके अलावा जीवन साथी भाव का स्वामी है। अगर बुध उठ के चला जाए तीसरे घर में वृष राशि में तो ये उसकी मित्र राशि है, जिसके कारण बुध ग्रह यहाँ पर भी आपको ज्यादातर अच्छे फल ही देगा। अच्छे फल क्या देगा, क्योंकि माता मकान का स्वामी है जिसके कारण जातक को माता का सुख अच्छा मिलेगा, मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, जातक बहुत बुद्धिमान होगा, पराक्रमी होगा,
भाई बहनों को सुख मिलेगा, मित्रों को सुख मिलेगा, क्योंकि सातवें घर का स्वामी है, जिसके कारण मैरिज लाइफ का सुख भी जातक को अच्छा मिलेगा और विवाह के बाद जातक का तत्काल भाग्योदय होगा। जातक अपनी बुद्धि बल से सबको परास्त करने वाला होगा। सातवीं दृष्टि पड़ेगी वृश्चिक राशि के ऊपर। जातक अपना भाग्य आप चमकाता है, पिता को सुख अच्छा मिलेगा, तो यहाँ पर बुध ग्रह आपको बहुत ही अच्छे फल देगा। तो जब भी बुध की दशा चलेगी, अंतरदशा चलेगी, ये फल विशेष तौर पे मिलेंगे। माता का सुख मिलेगा, मकान वाहन का सुख मिलेगा, जीवन साथी का सुख बहुत ही अच्छी मात्रा में मिलता है बुध की दशा में। जातक को यश सम्मान की प्राप्ति तथा धर्म भाग्य की उन्नति, ये सब फल बुध की दशा अंतरदशा में जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर दूसरी बात, क्योंकि बुध बैठा है शुक्र की राशि में, अगर शुक्र ग्रह नीच राशि में बैठा है, छठे आठवें बारहवें घर में बैठा है, तो इसके कारण बुध के अच्छे फलों में कमी आ सकती है। और इसके अलावा बुध ग्रह के साथ दूसरे ग्रहों की युति दृष्टि जरूर देख लें, खासतौर पर राहु केतु पर बैठे हैं, उसके कारण बुध के अच्छे फलों में कमी आ सकती है। अगर बुध ग्रह के साथ मंगल ग्रह बैठा है तो ससुराल से धन लाभ मिलेगा। अगर बुध ग्रह के साथ सूर्य ग्रह बैठा है, सूर्य ग्रह अगर बुध ग्रह के साथ बैठा है तो ये युति ज्यादा अच्छे फल नहीं दे पाएगी, क्योंकि सूर्य ग्रह छठे ग्रह का स्वामी है। तो आप बुध के लिए बुध के मंत्र सिद्ध करें, बुधवार को व्रत रख सकते हैं, गणपति की उपासना कर सकते हैं। बुध का मंत्र है ओम भूम बुद्धाय नमः का जाप जरूर करें।